हे गाइस एंड वेलकम बैक टू अनदर यूट्यूब वीडियो। तो आप सभी को पता ही होगा कि बिकॉज ऑफ द राइज इन कोविड 19 केसेस फिर से हर जगह लॉकडाउन हो रहा है। और जहाँ पे मैं हूँ रहता पंजाब में, तो वहाँ पे भी वीकेंड लॉकडाउन है, पूरा लॉकडाउन ही है। बट बिकॉज ऑफ द प्रिकॉशंस मैं ले रहा हूँ, तो गाड़ियाँ जो है मेरी वो दोनों ही अभी गैराज में खड़ी हैं, तो चलती नहीं है। तो आज मैं आपके साथ कुछ ट्रिक्स शेयर करूँगा कि आप अपनी गाड़ी की टेक केयर कैसे कर सकते हैं जब वो खड़ी है फॉर लाइक अ वीक और टू वीक्स और थ्री वीक्स, जितनी देर भी लॉकडाउन रहता है और सब प्रिकॉशंस ले रहे हैं। आई एम फिल्मिंग दिस वीडियो इन माई पार्किंग, तो बाहर मैं जाना नहीं चाहता। सो बिकॉज काफ़ी देर हो गई इन लोगों को खड़े, तो काफ़ी डस्ट वगैरह इकट्ठी हो गई है, तो मैं इनको वॉश जरूर करूँगा थोड़े दिनों में। एंड सबसे पहले कुछ बात कर लेते हैं बेसिक स्टफ की। तो सबसे पहले अगर आपकी गाड़ियाँ जैसे पार्किंग में खड़ी हैं, तो सबसे पहली चीज़ एक दो हफ्ते में पर वीक में एटलीस्ट उनको एक से दो बार स्टार्ट करके 10-15 मिनट के लिए ऐसे रनिंग में छोड़ दें, ताकि जो सारे फ्यूल्स हैं वो गाड़ी के सारे सिस्टम में सर्कुलेट होते रहे। तो 10-15 मिनट के लिए मतलब एक हफ्ते में दो बार आप कर सकते हैं कि गाड़ी को ऑन करके रख दीजिए, थोड़ा सा थोड़ी देर एसी पे चला दीजिए। और हाँ, मतलब 10-15 मिनट के लिए इनफ, मोर देन इनफ होगा। तो मैं थोड़ा एसी भी ऑन कर देता हूँ यहाँ पे। हफ्ते में दो बार आप ऐसा कर सकते हैं, या आपकी मर्जी, आप रोज भी स्टार्ट कर सकते हैं गाड़ी को एक जगह खड़ी जब है। बिकॉज कि गाड़ी के जो सारे ऑयल्स वगैरह हैं वो एक जगह इकट्ठे रहे, वो थोड़ा सा सर्कुलेट होते रहे सिस्टम में। तो हाँ, मैं तो वैसे मतलब वीक में 3 से 4 बार यहाँ पे आके गाड़ियाँ दोनों स्टार्ट कर देता हूँ। अभी मैंने राइड वेंडी स्टार्ट किया, बिकॉज अगर इनोवा स्टार्ट करी तो काफ़ी ज़्यादा उसकी इंजन ऑयल है, वो थोड़ी वीडियो में डिस्टर्ब करेगी। ये तो पहला पॉइंट हो गया कि आप एक वीक में 2 से या 3 से जितनी भी आपकी मर्जी है, एटलीस्ट दो बार तो प्लीज़ एक वीक में अपनी गाड़ी स्टार्ट कीजिए। और उसको 10-15 या 20 मिनट तक, 20 मिनट तक आप इसको ऐसे ही छोड़ सकते हैं, ताकि जो ऑयल है वो सर्कुलेट हो जाए। सेकेंड जो चीज़ है वो है ब्रेक्स की। तो मैंने बहुत पिछले लॉकडाउन में भी देखा था कि मोस्ट ऑफ द पीपल क्या करते हैं कि अपने हैंड ब्रेक को ऑन रखते हैं अगर उनकी गाड़ी काफ़ी देर के लिए खड़ी। जैसे प्रीवियस लॉकडाउन 3 से 4 महीने का था, 4 महीने कोई अगर कोई गाड़ी यूज़ नहीं करता तो उनकी हैंड ब्रेक जो है वो हमेशा ऑन रहती है। तो लेट मी गिव यू अ सॉल्यूशन फॉर दैट। जो सेकंड ट्रिक है जिससे आप अपनी गाड़ी की ब्रेक्स को सेफ रख सकते हैं, वो है कि आप अपनी गाड़ी के हैंड ब्रेक को, अगर गाड़ी ज़्यादा देर तक खड़ी है, मतलब 1-2 हफ्ते से खड़ी है, तो सिंपली क्या कर सकते हैं, हैंड ब्रेक जो है उसको डाउन रखिए और गाड़ी को फर्स्ट सेकंड जो भी गियर आप डालना चाहिए उसमें रख दीजिए, गाड़ी जो है बैकवर्ड स्लिप नहीं होगी। और एक और जो चीज़ आप कर सकते हैं, सिंपली एक ऐसा कोई पत्थर लेके, जैसे मैंने लिया पत्थर लेके गाड़ी के टायर के पीछे रख दो, चारों टायर्स पीछे रख सकते हो, 2 टायर्स पे भी एक ऐसे रख दो एज अ सेफ्टी। तो हाँ, ऐसे आप अपनी गाड़ी हैंड ब्रेक को हमेशा डाउन रखिए अगर आपकी गाड़ी 2 वीक से ज़्यादा खड़ी है। तीसरी जो चीज़ है वो है रिलेटेड टू टायर्स। आपने कई ऐसी गाड़ियों में देखा होगा जो काफ़ी सालों से ऐसे खड़ी है, अगर खड़ी है काफ़ी वीक से खड़ी है, तो उसमें क्या होता है कि अगर आपके टायर्स एक स्पॉट पर ज़्यादा खड़े हैं, एक तो उनमें से हवा ज़रूर निकलेगी अगर आपकी गाड़ी कंटिन्यूसली खड़ी है एक ही स्पॉट पर, तो हवा निकलेगी प्लस उनमें रिंकल्स आ सकते हैं, टायर ख़राब हो सकते हैं। तो बेस्ट चीज़ क्या है, जब अपनी गाड़ी, जैसे ये अभी 5 मिनट हो गए वीडियो शूट करते, तो गाड़ी आपकी ऐसे चालू है, तो सिंपली आप क्या कर सकते हैं, इस गाड़ी को दरवाज़ा बंद कर ले, तो एसी ऑफ कर देता हूँ, आवाज़ ना आए। गाड़ी को सिंपली अगर आपका गैराज है या आप किसी रोड पे हो, तो आप सिंपली उसको आगे पीछे थोड़ा सा कर सकते हो, लग लग है, जैसे मैंने अभी थोड़ी सी स्ट्रेट कर दी है। हाँ, तो आप थोड़े से मूवमेंट टायर्स की रखें, ताकि जो टायर्स हैं वो एक स्पॉट से दूसरे स्पॉट पे शिफ्ट हो जाए और जो उनका पूरा राउंड है वो हो जाए। आप थोड़ी देर, मतलब 1 से 2 मिनट के लिए उनको थोड़ा सा एडजस्ट कर सकते हैं, आपकी जो गाड़ी की पोजीशन जिस पोजीशन में खड़ी है उसको एडजस्ट कर सकते हैं, ताकि जो टायर्स हैं वो थोड़ा सा उनकी मूवमेंट होती रहे, जो टायर्स की मूवमेंट है वो होती रहे, जिससे आपकी टायर्स की जो लाइफ है वो थोड़ी सेफ रहेगी। बाकी तो आप सबको पता ही होगा कि अगर आप एक, जब भी आप गाड़ी स्टार्ट करें, मे बी 2x a week or 4x a week, आप हमेशा गाड़ी को थोड़ा सा आगे पीछे ले जा सकते हैं, जिससे जो टायर्स की मूवमेंट है वो होती रहेगी एंड उससे आपकी टायर्स को ज़्यादा नुकसान नहीं होगा खड़े रहने की वजह से। एक और चीज़ आप जो वो कर सकते हो है कि अपनी गाड़ी को रेगुलरली वॉश कर सकते हो, मे बी हफ्ते में 1 से 2 बार, आप भी डिपेंड करता है हफ्ते में एक बार, जो संडे है, वैसे अभी लॉकडाउन में सभी फ्री होंगे तो आप गाड़ी को ऑब्वियसली वॉश कर सकते हैं। मैं इस वीडियो के बाद तो पक्का वॉश करूँगा दोनों गाड़ियों को।
वॉश करते रहिए ताकि जो गाड़ी का पेंट है वो थोड़ा सा मतलब ख़राब ना हो। मे बी अगर आपकी गाड़ी में मड लगा है और आपको वैसे ही आपने खड़ी कर दी है तो मे बी इट कैन कॉज रस्टिंग, क्योंकि मड से अगर जो मिट्टी है वो ज़्यादा देर गाड़ी में लगी रही तो ऑब्वियसली वो रस्टिंग कॉज कर सकती है मेटल को। तो हाँ, आप उसको साफ़ वगैरह करके रखें, गाड़ी को चमका के रखें। और जैसे तो मेरे यहाँ पे कवर्ड पार्किंग है, तो किसी के अगर ओपन में पार्क की गाड़ी पार्क होती है तो मे बी आप एक कवर लेके कवर चढ़ा सकते हो गाड़ी पे, जिससे आपका पेंट थोड़ा प्रोटेक्टेड है। अगर डायरेक्ट सनलाइट के कांटेक्ट में आती है आपकी गाड़ी तो मे बी ये आपको आपका पेंट को सेव कर सकता है एक कवर। अदर देन डैट, और एक जो सबसे बड़ी चीज़ आती है वो है बैटरी। अगर आपकी गाड़ी काफ़ी देर तक खड़ी है और आप उसको हफ्ते में एक से दो बार स्टार्ट नहीं करते तो आपकी गाड़ी की बैटरी ऑब्वियसली मतलब डाउन हो सकती है। इसका एक ही सोल्यूशन है कि आप अपनी गाड़ी को हफ्ते में एक से दो बार ज़रूर स्टार्ट करें 10 से 15 मिनट के लिए, ताकि जो बैटरी है वो भी चार्ज हो जाए। अगर आपकी गाड़ी थोड़ी दूर खड़ी है और वहाँ पे आप रोज़ रोज़ नहीं जा सकते, हफ्ते में एक बार नहीं जा सकते, मान लीजिए आपकी पार्किंग थोड़ी सी दूर है घर से, एंड जो ऑब्वियसली दिल्ली वाले बड़े बड़े शहरों बड़े सिटीज़ में होता है कि पार्किंग बहुत दूर होती है कई घरों की, एंड उसमें आप क्या कर सकते हैं, आप अपनी गाड़ी की जो बैटरी है उसको डिसकनेक्ट कर सकते हैं। एंड लेट मी शो यू कैसे। जैसे मेरी इनोवा की बैटरी है, तो आप सिंपली कह सकते हैं कि अगर आपकी गाड़ी ऐसी कोई जगह पे खड़ी है जहाँ पे आप रोज़ रोज़ विज़िट नहीं कर सकते या आप स्टार्ट नहीं कर सकते बिकॉज ऑफ सम रीजंस, तो आप सिंपली क्या कर सकते हैं, ये जो दो टर्मिनल है इनको आप कोई जो ये जो दो टर्मिनल है इनको आप निकाल सकते हैं। आप किसी मैकेनिक की हेल्प ले सकते हैं या खुद भी जो रैंच होते हैं उनकी उनको लेके आप इसको ईजिली निकाल सकते हैं और बैटरी की जो वायर्स है उसको डिसकनेक्ट कर दीजिए, ताकि आपकी बैटरी थोड़ी सी सेफ रहे। और मैं तो आपको यही एडवाइस करूँगा कि अगर आप बैटरी की ये टर्मिनल्स निकाल भी देते हो और अगर आप ज़्यादा टाइम के लिए इसको बैटरी को यूज़ नहीं करते तब भी ये फ्लैट आउट होगी, तो नुकसान तो दोनों चीज़ों में है। तो यही मेरी एडवाइस है कि आप एटलीस्ट गाड़ी को हफ्ते में एक से दो बार ज़रूर चालू करें 10 से 15 मिनट के लिए, चाहे 10 मिनट के लिए एक मिनिमम कर दीजिए, कि आपकी बैटरी और गाड़ी के जो सभी फ्यूल है जैसे इंजन ऑयल है वो गाड़ी में फैलता रहे, ताकि जो गाड़ी के फ्यूल्स हैं वो एक फ्लो में रहते रहें। एंड हाँ, इससे आपकी गाड़ी सेफ रह सकती है इन दिस लॉकडाउन पीरियड। तो हाँ, बाकी यही है कि आप अपनी गाड़ी की अच्छी केयर कर सकते हैं इस लॉकडाउन के पीरियड में भी। तो मैं सभी पॉइंट्स को फिर से दोहराता हूँ। सबसे पहले कि आप अपनी गाड़ियों को एटलीस्ट हफ्ते में एक से दो बार 10 या 15 मिनट के लिए चालू करें, कि जो बैटरी है वो ख़राब ना हो, उसमें चार्ज रहे और जो सारे इंजन ऑयल्स हैं एंड ऑल द अदर ऑयल्स हैं वो सारे गाड़ी के सिस्टम में सर्कुलेट होते रहे। फिर आपका आ जाता है हैंड ब्रेक का, कि अगर आपकी गाड़ी ज़्यादा देर तक खड़ी है और ज़्यादा एक स्पॉट पे खड़ी है, प्लीज़ उसकी हैंड ब्रेक डाउन करके या तो ऐसे पत्थर लगा दीजिए, जो गियर है उसको एक कोई भी गियर में स्लॉट कर दीजिए, आपकी गाड़ी बैकवर्ड्स नहीं होगी और आपकी थोड़ी जो ब्रेक्स है वो जाम होने से बच जाएंगी। थर्ड इज़ कि अगर आपकी गाड़ी एक स्पॉट पे ज़्यादा देर से खड़ी है तो मेक श्योर कि आप जब भी गाड़ी को अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं हफ्ते में तो उसको आगे पीछे थोड़े मूवमेंट कीजिए, ताकि जो टायर्स हैं वो फ्लैट आउट ना हो, वो उनमें रिंकल्स ना हो, टायर ख़राब ना हो। अदर देन दैट, बाकी अगर आपकी अंडरग्राउंड पार्किंग है जस्ट लाइक दिस तो वैसे भी धूल काफ़ी आ जाती है, तो गाड़ी को प्लीज़ साफ़ करके रखें, और बाहर अगर आपकी पार्किंग है तो उसमें कवर डाल के रखें, ताकि जो पेंट है वो प्रोटेक्टेड रहे। और एक सबसे बड़ी मैं आपको एक एडवाइस दूंगा कि अगर आपकी गाड़ियाँ खड़ी हैं, एमरजेंसी का कुछ पता नहीं होता, प्लीज़ अपनी गाड़ियों में एक सफिशिएंट अमाउंट ऑफ डीजल और पेट्रोल रखें, ताकि जब भी एमरजेंसी हो आप उसको निकाल सकें। अपनी गाड़ियों को खड़ी करने से पहले डीजल वगैरह कुछ नहीं भरवाते, ऐसे ही ऑलमोस्ट मतलब जो लो फ्यूल पे उस पे गाड़ियाँ खड़ी कर देते हैं, और एमरजेंसीज में व्हेन दे हैव टू गेट देयर कार आउट और उसमें फ्यूल नहीं होता तो ऑब्वियसली, और आज के टाइम में जैसे लॉकडाउन चल रहे हैं तो मे बी पेट्रोल पम्प्स की अवेलेबिलिटी भी ना इतनी हो, तो हाँ अपनी गाड़ियों में सफिशिएंट अमाउंट ऑफ डीजल पेट्रोल जिस भी पेट्रोलियम पे आपकी गाड़ी चलती है उसको रखें, ताकि इन केस ऑफ एमरजेंसी आप उसको यूज़ कर सकें। तो ये थी कुछ ट्रिक्स अपनी गाड़ियों को सेफ रखने के लिए इन द लॉकडाउन। मेरी दोनों अभी सेफ है, मैं रोज़ इनको स्टार्ट करता हूँ, अभी धोऊंगा अभी क्योंकि काफ़ी डस्ट वगैरह जमी है, और टर्मिनल्स मैंने इसलिए इसके नहीं निकाले बिकॉज मैं रोज़ इनको स्टार्ट करता हूँ तो ये बैटरी फ्लैट आउट नहीं होने वाली। या दिस वॉज अ वीडियो गाइस, आई होप आप सबको अच्छी लगी हो, सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइसेज, बट मैं क्या करूँ, अभी ये स्ट्रीट है जहाँ पे मेरी पार्किंग है तो सभी स्कूटी वगैरह वाले जाते हैं। तो हाँ, दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। बस लास्ट में यही कहना चाहूँगा कि आप घर पे रहें और सुरक्षित रहें, क्योंकि अभी जो सेकेंड वेव है COVID-19 की, दैट इज़ रियली डेंजरस, एंड होपफुली हम इस सारे चक्कर में से जल्द बाहर निकले एंड
So thank you very much for watching, guys, and I will see you guys in the next one. Till then, bye bye.